प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संकल्प क्लासेस बाड़मेर के यूट्यूब ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लास में हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म का पहला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। आज मैं आपके सामने बौद्ध धर्म का दूसरा भाग, जिसके अंतर्गत हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे, वो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज की कार्यशाला हम प्रारंभ करते हैं। वैसे जो पिछली क्लास में हमने भगवान बुद्ध से संबंधित जो उनकी बायोग्राफी डिस्कस की थी, उनके जीवन से संबंधित कुछ सिंबल्स हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो पहले तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं हैं, उन विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कुछ अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो भगवान बुद्ध की माँ थी महामाया, महामाया के गर्भाधान से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह, वो प्रतीक चिन्ह माना जाता है श्वेत हस्त या श्वेत रंग का हाथी, सफेद रंग का हाथी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान बुद्ध की मां महामाया, इन्होंने एक बार स्वप्न देखा कि स्वर्ग लोक से एक श्वेत रंग का हाथी, एक जो प्रकाशमान था, और स्वर्ग लोक से उतरकर उसने महामाया के गर्भ में प्रवेश किया। तो गर्भाधान से संबंधित प्रतीक है श्वेत हाथी। बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक है, जन्म से संबंधित प्रतीक संबंधित है सांड व कमल। सांड व कमल इनके जन्म से संबंधित है। जो बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में, जो कि महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, इनके गृह त्याग से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह माना जाता है अश्व। इन्होंने अपने सारथी छंदक और घोड़े कंथक के साथ गृह त्याग किया था और गृह त्याग के प्रतीक के रूप में अश्व को मानते हैं। गृह त्याग के पश्चात जो उरुवेलामेन को संबोधि की प्राप्ति हुई थी, संबोधि की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में जो चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बेसिकली ये पीपल का पेड़ है, अभी उरुवेला या बोध गया में स्थित है। वैसे जो मूल बोधि वृक्ष था, मूल बोधि वृक्ष बंगाल का एक कट्टर शिव गोड़ शासक था शशांक गोड़। शशांक गोड़ के द्वारा उसको कटवा दिया गया था और उसकी जड़ों में आग लगा दी गई। तो वर्तमान में तो वैसे मूल बोधि वृक्ष अप्राप्य है, संबोधि के प्रतीक के रूप में बोधि वृक्ष था। जो बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना है, वो प्रथम उपदेश जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। और धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जिसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो है धम्म चक्र। धम्म चक्र जो कि सम्राट अशोक के जो शिला लेख, जो स्तंभ लेख थे उनके, उनके स्तंभ लेखों में चार सिंहों के सिर के ऊपर भी विद्यमान था, जिसमें 32 तीलियां थी और प्रथम उपदेश का सिंबल भी वही धम्म चक्र है। इसके अतिरिक्त जो पांच ब्राह्मण थे, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में उन्हीं पांचों सन्यासियों को दिया था और उन पांच सन्यासियों के प्रतीक के रूप में पांच हंस मोती चुभते हुए पांच हंस उन पांचों सन्यासियों के प्रतीक थे।
और मोती। मोती एक तरह से ज्ञान रूप में जो भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश था, उनको यहाँ पर मोती माना गया है। तो पांच हंस मोती चुगते हुए, ये प्रतीक है उन पांचों सन्यासियों का जिन्होंने बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को ग्रहण किया था सारनाथ में। इसके अतिरिक्त जो इनके निर्वाण का प्रतीक माना जाता है, भगवान बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है इनके पदचिन्ह। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु या जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कुशीनारा में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इनके द्वारा देह त्याग किया गया था और इनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। और मृत्यु के रूप में इसका प्रतीक माना जाता है इस स्तूप को। ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अलग अलग घटनाओं से संबंधित जो अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब जो हमारा आज का मूल बिंदु है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, महात्मा बुद्ध के अनुसार जो सबसे मुख्य सिद्धांत है बौद्ध धर्म से संबंधित, वह है प्रतीत्य समुत्पाद। ये एक तरह से सेंट्रल थ्योरी है बुद्धिज्म की। और खुद भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को जानता है वह धम्म को जानता है, और दो जो धम्म को जानता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को जानता है। सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि चाहे बौद्ध धर्म कहे चाहे प्रतीत्य समुत्पाद कहे, दोनों का मतलब एक ही है। तो खुद उनके कथन से प्रतीत हो रहा है कि एक तरह से बौद्ध धर्म की आत्मा है प्रतीत्य समुत्पाद। जितने भी सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है वो सब इसी के आसपास घूमते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। तो अब बेसिकली प्रतीत्य समुत्पाद है क्या, किसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद? अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रतीत्य समुत्पाद में दो शब्द हैं, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का मतलब होता है इसके होने से समुत्पाद। समुत्पाद से तात्पर्य है यह होता है, इसके होने से यह होता है। तो बेसिकली जो प्रतीत्य समुत्पाद है, प्रतीत्य समुत्पाद एक तरह से बौद्ध धर्म का कारणता सिद्धांत, कारणता सिद्धांत, कॉजिज्म थ्योरी। कारणता सिद्धांत से तात्पर्य है कि दुनिया में, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। विश्व में कोई भी वस्तु या घटना अकारण नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये चाहे ट्यूबलाइट जल रही हो, फैन चल रहा हो या एसी चल रहा हो, इनका कोई ना कोई कारण अवश्य है। मैं यहां पर उपस्थित हूं आपके सामने, इसका भी कोई कारण अवश्य है। अगर ये अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है कोरोना को, तो अगर ऐसी विभीषिका वर्तमान में नहीं आती तो शायद अभी हमें ये ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन विद्यार्थियों का अहित भी न हो और अध्ययन से निरंतरता बनी रहे, तो बेसिकली हम देखते हैं प्रत्येक वस्तु घटना के पीछे उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अगर बात करें, ये ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, पंखे का चलना, ट्यूबलाइट का जलना, इनका मुख्य कारण है इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लाइट आ रही है, तब तक ये फैन चल रहा है, ये ट्यूबलाइट चल रही है। अगर विद्युत प्रवाह बंद हो जाए तो इनका चलना भी बंद हो जाए। यही कारणता सिद्धांत है।
विश्व में कोई भी वस्तु घटना अकारण नहीं होती, उनका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब जो इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात कर रहे हैं, प्रतित्य और समुत्पाद, प्रतित्य का अर्थ है इसके होने से, समुत्पाद यह होता है, किसके होने से क्या होता है। बुद्ध ने कहा है इमस्मिन् सति इदं भवति, इमस्मिन् असति इदं न भवति, इमस्मिन् सति इसके होने से, इदं भवति यह होता है, इमस्मिन् असति इसके नहीं होने पर, इदम न भवति यह भी नहीं होता, किसके होने पर क्या होता है और किसके नहीं होने पर क्या नहीं होता। तुम्हारा सीधा सा आंसर होगा कि कारण के होने पर ही कार्य होगा और कारण के नहीं होने पर कार्य भी नहीं होगा। इसे ही कहते हैं हम सापेक्ष कारणतावाद। एक तरह से प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत सापेक्ष कारणतावाद का सिद्धांत। सापेक्ष कारणतावाद का अर्थ है कि कार्य कारण के सापेक्ष होता है, अर्थात विश्व में कोई भी कार्य हो, कोई भी वस्तु हो, उसका अस्तित्व उसके कारण के सापेक्ष होगा। और भगवान बुद्ध ने इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है जो दीपक की लौ से संबंधित है। ये दीपक है, ये दीपक की लौ, दीपक में ये बत्ती है और ये तेल भरा हुआ है। यहां पर लोहे कार्य कार्य हो रहा है लो का जलना, और लो के जलने के मुख्य कारण है तेल और बत्ती, ये इसके मुख्य कारण माने गए हैं। अब सापेक्ष कारणतावाद यही है कि जब तक दीपक में कारण के रूप में तेल और बत्ती विद्यमान रहेंगे, कार्य के रूप में लो की उत्पत्ति होती रहेगी। तो एक तरह से लो का जलना किसके सापेक्ष हुआ, तेल और बत्ती के सापेक्ष, इसीलिए इसको हम कहते हैं सापेक्ष कारणतावाद, अर्थात कार्य कारण के सापेक्ष होता है या कार्य कारण पर निर्भर करता है। और यही मुख्य सिद्धांत है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसको हम प्रतित्य समुत्पाद करते हैं। और बौद्ध धर्म के आगे हम और जितने भी सिद्धांत डिस्कस करेंगे, उन सबके सेंटर में, उन सबके केंद्र में प्रतित्य समुत्पाद ही है। तो प्रतित्य समुत्पाद से अब आगे के सिद्धांतों का उदय कैसे होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रतित्य समुत्पाद, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, प्रतित्य समुत्पाद से निकलता है अनित्यवाद, अनित्यवाद से निकलता है क्षणिकवाद, और क्षणिकवाद की अंतिम परिणति होती है अनात्मवाद। तो एक तरह से सारे सिद्धांत ये प्रतित्य समुत्पाद से निकले हैं। प्रतित्य समुत्पाद जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य का अर्थ है इसके होने से, समुत्पाद ये होता है, अर्थात कारण के होने पर ही कार्य होगा और कारण के न होने पर कार्य भी नहीं होगा, अर्थात कार्य कारण के सापेक्ष होता है। जैसा अभी हमने दीपक की लौ का उदाहरण देखा कि जब तक दीपक में कारण के रूप में तेल और बत्ती विद्यमान रहेंगे, कार्य के रूप में लौ की उत्पत्ति होती रहेगी।
ये कारणता सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कार्य कारण पर निर्भर, और इसी की परिणति होती है अनित्यवाद में। अनित्यवाद का अर्थ है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, प्रत्येक वस्तु अनित्य है, कोई भी परमानेंट नहीं है, प्रत्येक वस्तु अनित्य है, चाहे वो कोई भी हो। इसका रीजन ये है, अभी हमने प्रतीति समुत्पाद पढ़ा, प्रतीति समुत्पाद के अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसके कारण पर निर्भर करता है। तो यहां पर जब उसका अस्तित्व कारण पर निर्भर है तो दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, प्रत्येक वस्तु अनित्य है, क्योंकि उस वस्तु का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसके पीछे उसका कारण विद्यमान है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब तभी तक जीवित हैं जब तक आत्मरूपी चेतन तत्व हमारे भीतर विद्यमान है, हमारे भीतर चेतना विद्यमान है, और जब हमें से चेतना निकल जाएगी तब हम मृत हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसके पीछे उसका कारण विद्यमान है। ये ट्यूबलाइट तभी तक जल रही है जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा तो ट्यूबलाइट भी बुझ जाएगी। इसलिए प्रत्येक वस्तु कैसी हुई, अनित्य, जिसे हम अनित्यवाद कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अनित्य, और इसका रीजन ये है कि उसका अस्तित्व तभी तक जब तक उसका कारण विद्यमान, जब तक किसी चीज के पीछे उसका कारण विद्यमान होगा वस्तु का अस्तित्व तभी तक होगा। अगर कारण समाप्त हो जाए तो उस वस्तु का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको अनित्यवाद कहा गया है। अब अनित्यवाद की अगली परिणति होती है क्षणिकवाद। बुद्ध कहते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य तो है ही सही, परंतु प्रत्येक वस्तु एक कदम आगे और बढ़कर बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण अनित्य है। प्रतिक्षण अनित्य का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील, प्रतिक्षण परिवर्तनशील। सीधा सा कहने का मतलब है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने उदाहरण देखा दीपक की लो, नदी की धारा प्रवाहित होती रहती है कंटिन्यू, और हमें ऐसा लगता है कि जो प्रवाहमान जो नदी की धारा है उसमें कंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है, परंतु जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम किसी नदी की धारा में नहाने गए और नहाकर जब हम लौटे, अगर कुछ समय पश्चात तो दोबारा उसी स्थान पर जाए तो जिस पानी में हम नहाए थे वो पानी बहकर बहुत दूर निकल चुका होगा। तो जिस तरह से नदी की धारा हर क्षण प्रवाहित होती रहती है, उसी तरह विश्व की प्रत्येक वस्तु में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इसे ही हम कहते हैं क्षणिकवाद, कि दुनिया की प्रत्येक चीज अनित्य तो है ही सही, वो अनित्य है, उसके साथ साथ वो प्रतिक्षण अनित्य है, अर्थात विश्व की प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं क्षणिकवाद। बुद्ध से संबंधित एक ऐसा ही घटनाक्रम था, पर घटना थी मगध की। उस समय मगध नरेश थे अजात शत्रु, बिंबिसार के पुत्र, हर्यंक वंश से संबंधित थे। वैसे मगध का हर्यंक वंश ये पूरा वंश पितृहंता था, इस वंश का प्रत्येक शासक अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। बिंबिसार को मारकर उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा,
अजातशत्रु वैसे मगध में जितने भी शासक हुए थे उनमें सर्वशक्तिमान माने जाते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के समय की एक ऐसी घटना है कि एक बार एक डकैत जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे राजगृह के निकट, डकैत उधर से गुजर रहा था, कहीं डकैती डालकर आया होगा। और जैसे उसने बुद्ध को देखा, उसने देखा कि कोई महात्मा प्रवचन दे रहे हैं, उस डकैत ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। वो नहीं चाहता था कि किसी महात्मा के प्रवचन उसके कानों में पड़े। उस समय बुद्ध क्षणिकवाद के बारे में बता रहे थे, क्षणिकवाद अनात्मवाद। क्षणिकवाद की जो अंतिम परिणति है वो अनात्मवाद में होती है। क्षणिकवाद का अर्थ अभी हमने देखा था कि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, उसमें हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि दीपक की लौ, नदी की धारा। जो जब हर वस्तु परिवर्तनशील है तो हमारी आत्मा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अनात्मवाद का अर्थ है आत्मा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील। हमारी आत्मा में भी हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, और यही सिद्धांत अनात्मवाद है। तो बुद्ध जो प्रवचन दे रहे थे राजगृह के निकट, क्षणिकवाद और अनात्मवाद के बारे में बता रहे थे। बुद्ध कह रहे थे कि जिस तरह प्रत्येक वस्तु में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती है। वो डके चाहता था कि साधु महात्माओं के प्रवचन मेरे कान में ना पड़े, लेकिन ये शब्द उसके कान में पड़ गया। इन शब्दों को उसने सुना, क्षणिकवाद और अनात्मवाद से संबंधित। अब कुछ समय तक वो डकैतियां डालता रहा। एक बार वो पकड़ा गया, उसे अजातशत्रु की सभा में उपस्थित किया गया, और जैसे अजातशत्रु द्वारा दंड देने की बारी आई, डकैत कहता है कि दंड और मुझे मुझे दंड क्यों मिलना चाहिए? जिसने डकैतियां डाली थी वह आत्मा कोई और थी, और बुद्ध के अनुसार आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अतः यह आत्मा तो बिल्कुल नई आत्मा है, तो उस आत्मा का दंड इस आत्मा को क्यों मिलना चाहिए? अजातशत्रु खुद बुद्ध के शिष्य थे, और जैसे ही डकैत के ये शब्द सुने अजातशत्रु ने, खुद सम्राट अजातशत्रु भी सोच में डूब गए। बात तो सही कह रहा है, भगवान बुद्ध भी ऐसा ही कहते हैं। तो फिर कुछ बौद्ध भिक्षुओं से मिलकर सलाह मशवरा किया गया, और निर्णय ये लिया गया कि चूंकि तुम उसी पूर्ववर्ती आत्मा के परिवर्तित रूप हो, अतः उस अपराध की सजा तुम्हें ही मिलेगी, तब जाकर उस डकैत को सजा हो। तो कहने का तात्पर्य है, क्षणिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, हर क्षण उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो उसी भांति हमारी आत्मा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं अनात्मवाद। तो इस तरह हमने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी जो मुख्य सिद्धांत है उन सबकी उत्पत्ति स्थल अनात्मवाद तक प्रतीत समुत्पाद है। ये सारे सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद से निकलते हैं। प्रतीत समुत्पाद जो कि कारणता सिद्धांत है, अर्थात कार्य कारण पर निर्भर होता है। जब किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसके कारण पर निर्भर है तो प्रत्येक वस्तु अनित्य होगी। अनित्य का अर्थ है कि उस वस्तु का अस्तित्व तभी तक होगा जब तक उसके पीछे उसका कारण विद्यमान होगा। और अनित्यवाद की परिणति क्षणिकवाद में होती है। क्षणिकवाद के अनुसार एक कदम और आगे बढ़कर बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह प्रत्येक वस्तु अनित्य है, उसी भांति न केवल अनित्य है बल्कि प्रतिक्षण अनित्य है, अर्थात उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दीपक की लौ और नदी की धारा, और अंतिम परिणति होती है अनात्मवाद में। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, अनात्मवाद से तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुद्ध ने आत्मा नहीं मानी। बुद्ध ने आत्मा मानी है, बुद्ध के अनुसार आत्मा तो होती है, लेकिन जैसा कि हमारी सनातन परंपरा में हम देखते हैं कि जो आत्मा का स्वरूप है नित्य शाश्वत अमर आत्मा,
उस तरह की आत्मा भगवान बुद्ध ने नहीं मानी। बुद्ध के अनुसार आत्मा होती है, परंतु आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती है। तो एक तरह से जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो प्रतित्य समुत्पाद को जानता है वह धम्म को जानता है, और जो धम्म को जानता है वह प्रतित्य समुत्पाद को जानता है, क्योंकि ये सिद्धांत केंद्रीय सिद्धांत है, और जितने भी सिद्धांत है बौद्ध धर्म से संबंधित वो इसी प्रतित्य समुत्पाद से निकलते हैं। इसी प्रतित्य समुत्पाद के अंतर्गत कुल 12 अंग भगवान बुद्ध बताते हैं। जिन्हें हम द्वादश निदान के रूप में जानते हैं। द्वादश, द्वादश का अर्थ है 12। प्रतित्य समुत्पाद में कुल 12 अंग हैं, जो कि द्वादश निदान कहलाते हैं। बुद्ध ने एक जीवन चक्र बताया है। इस जीवन चक्र में कुल 12 अंग हैं। इसे ही हम कहते हैं जीवन चक्र, इसे ही हम कहते हैं भव चक्र, इसे ही हम कहते हैं सुख दुख चक्र, और इसे ही कहा जाता है संसार चक्र। कुल 12 अंग हैं। इन 12 अंगों को हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। 12 में से 2 का संबंध है भूतकाल से, 12 में से 8 का संबंध है वर्तमान काल से, इन 12 में से शेष 2 का संबंध है भविष्य काल से। तो भूत, वर्तमान और भविष्य, इनसे संबंधित जो 12 निदान है, द्वादश निदान, इनसे एक चक्र बनता है जिसे हम जीवन चक्र, भव चक्र, सुख दुख चक्र या संसार चक्र के नाम से हम जानते हैं। इनमें जो 2 भूतकाल से संबंधित है उनमें सबसे पहला है अविद्या, दूसरा संस्कार। भूतकाल के पश्चात वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान में सबसे पहला और कुल 3 नंबर का विज्ञान, इसके पश्चात नाम रूप, इसके पश्चात षडायतन, इसके पश्चात स्पर्श, इसके पश्चात वेदना, तृष्णा, उपादान, भव। अब आते हैं भविष्य काल में। भविष्य काल में सबसे पहला है जाति और अंतिम है जरा मरण। ये कुल 12 निदान है। एक तरह से प्रत्येक निदान अपने अगले निदान का कारण है। जैसे संस्कार, संस्कार का कारण अविद्या, विज्ञान का कारण संस्कार, इस तरह से एक पूरी चेन बनी हुई है। शुरुआत करते हैं भूतकाल से। भूतकाल का सबसे पहला निदान है अविद्या। शुरुआत ही अविद्या से हो रही है। अविद्या का अर्थ है अज्ञानता, अर्थात हमारे पिछले जन्म की अज्ञानता, और उस अज्ञानता के कारण हम जो कर्म करते हैं
अज्ञानतावश मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसके कर्म फलों का संचय कहलाएगा संस्कार, उसको संस्कार कहा जाएगा। अब जब जीव की मृत्यु होगी, जैसे बुद्ध ने नित्य शाश्वत आत्मा का अस्तित्व नहीं माना, परंतु बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता, अपितु पुनर्जन्म होता है व्यक्ति के द्वारा किए हुए कर्मों के फलों का, और उस कर्म फलों की गठरी को हम संस्कार के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं कर्मों के फल, इनका जन्म होगा, और जन्म के दौरान जो गर्भस्थ शिशु में सबसे पहले चेतना की उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं विज्ञान। ये संस्कार का तात्पर्य यहां पर अतीत जीवन के कर्मों से है। चेतना के पश्चात अब जीव के शरीर का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं नाम रूप। नाम रूप के अंतर्गत पंच स्कंद है। पंच स्कंद में पांच स्कंद आते हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये पांच स्कंद हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इन पांचों स्कंदों को सम्मिलित रूप से पंच स्कंद के नाम से जानते हैं, जिनसे जीव का निर्माण होता है। इन पंच स्कंदों के बारे में विस्तृत रूप से एक बौद्ध विचारक थे मिलिंद पन्हो, जिनके बारे में हम जब अब इंडो ग्रीक काल पढ़ेंगे, आगे जब हिंद यूनानी आक्रमण होंगे भारत में, हिंद यूनानी आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध जो इंडो ग्रीक शासक है राजा मेनेंडर। राजा मेनेंडर का शास्त्रार्थ होता है भारत के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन से, और नागसेन द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद भारतीय परंपरा में हम इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर को कहते हैं। यहाँ पन्हो का तात्पर्य है प्रश्न, अर्थात राजा मेनेंडर के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि राजा मेनेंडर इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान शासक था। उसको कोई शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाया। राजा मेनेंडर ने नागसेन के बारे में सुन रखा था। नागसेन जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान है, वो भी आज तक अजय हैं, उनको भी कोई शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाया। तो जब नागसेन की ख्याति राजा मेनेंडर ने सुनी, तो राजा मेनेंडर ने नागसेन को अपने दरबार में शास्त्रार्थ हेतु आमंत्रित किया। मेनेंडर ने सोचा कि देखे देखते हैं कब तक टिकते हैं मेरे सामने। और उस शास्त्रार्थ के दौरान राजा मेनेंडर नागसेन के सामने निरुत्तर हो गए, और अंततः राजा मेनेंडर ने नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पराजित होने लगे राजा मेनेंडर, पराजित होने के पश्चात नागसेन ने शास्त्रार्थ वहीं समाप्त कर दिया था और जंगल में वन में अपनी कुटिया की ओर चले गए। नागसेन ताड़ गए थे कि राजा मेनेंडर थोड़े परेशान है और अब इनसे शास्त्रार्थ करना मुनासिब नहीं। लेकिन अगले दिन राजा मेनेंडर से रहा नहीं गया। अपने जीवन में पहली बार हुआ था राजा मेनेंडर के साथ कि किसी से शास्त्रार्थ में पराजित हो रहे थे। अगले दिन तुम से रहा नहीं गए और पूरे लाव लश्कर से अपने रथ में बैठकर राजा मेनेंडर बौद्ध भिक्षु नागसेन की कुटिया की ओर गए, वन की ओर। और जैसे ही राजा मेनेंडर ने नागसेन की कुटिया में प्रवेश किया, नागसेन ने राजा मेनेंडर से पहला ही प्रश्न किया कि भंते, आप भंते का अर्थ है भ्राता, अरे भाई आप इतनी दूर से पैदल चलते हुए आए हैं, तनिक विश्राम कीजिए, थोड़ा जलपान ग्रहण कीजिए। राजा मेनेंडर कहते हैं तो मैं पैदल तो नहीं आया, मैं तो मेरे रथ में बैठ कर आया हूं। नागसेन कहते हैं अच्छा, आप रथ पर आए हैं, जरा बताइए आपका रथ कहां पर है। नागसेन की कुटिया के बाहर जो राजा मेनेंडर का रथ खड़ा हुआ था, राजा मेनेंडर ने रथ की ओर इशारा करते हुए कहा ये रहा मेरा रथ। नागसेन कहते हैं अच्छा, जो ये घोड़े हैं ये रथ हैं क्या।
रथ के आगे घोड़े बंधे हुए थे, तो विनंदन ने कहा कि इसके आगे जो घोड़े बंधे हैं ये रथ है क्या? मिनेंडर कहता है कि नहीं, कि ये रथ नहीं है। इसके पश्चात पहियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहिए रथ है क्या? नहीं, पहिए भी रथ नहीं है। छत्र की ओर इशारा करते हुए कहा क्या ये रथ है? नहीं, ये भी रथ नहीं है। तो फिर रथ है क्या? तब जाकर बाद मिनेंडर की समझ में आई कि रथ कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जो रथ नामक वस्तु है वो घोड़े, पहिए, छत्र वगैरह इन सारे वस्तुओं का संघात मात्र, इनका कॉम्बिनेशन, उनको हम रथ कहते हैं। उसी तरह कोई भी जीव हो, कोई भी जीव इन पांच स्कंदों का संघात है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जिनको सम्मिलित रूप से हम पंच स्कंद कहते हैं। और जब शरीर का निर्माण होगा तो षडायतन, इसका कारण है षडायतन। षडायतन मतलब छह, पांचों ज्ञानेंद्रिया और मन, इनको सम्मिलित रूप से षडायतन करते हैं। जब ज्ञानेंद्रिया इंद्रिया बनेगी तो स्पर्श होगा। स्पर्श से तात्पर्य है इंद्रियों का वस्तुओं से सन्निकर्ष, कॉन्टेक्ट। और जब स्पर्श होगा तो वेदना होगी। वेदना का अर्थ है सुख दुख की अनुभूति। जीवन में हमें कुछ अच्छी वस्तुएं मिलती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, अगर बुरी वस्तुएं मिलती है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। इसे हम कहते हैं वेदना। और जब वेदना होगी तो इसकी परिणति होगी तृष्णा में। तृष्णा का अर्थ है अच्छी वस्तुओं के प्रति लगाव, अटैचमेंट बढ़ता जाएगा हमारा उन सांसारिक वस्तुओं के प्रति, वो तृष्णा कहलाएगी। जब तृष्णा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो यह उपादान है, एक तरह से हमें उन वस्तुओं की आदत हो जाएगी, उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। जब उन वे वस्तुएं दूर जाएंगी तो दुख की अनुभूति होगी, यह कहलाता है उपादान। और उपादान के कारण भव, उन अच्छी वस्तुओं को भोगने के लिए हम दोबारा जन्म ग्रहण करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि इन वस्तुओं को भोगे, दोबारा जन्म ग्रहण करें। तो जन्म ग्रहण करने की इच्छा, ये भव है। और जब जन्म ग्रहण करने की इच्छा होगी तो आता है भविष्य काल, तो हमारा जाति, जाति का अर्थ पुनर्जन्म, हमारा पुनर्जन्म होगा। और जब पुनर्जन्म होगा तो जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु, ये दुखों का सांकेतिक नाम है। इसलिए कहते हैं, अगर चाहे भगवान बुद्ध के बारे में पूछे, चाहे महावीर स्वामी के बारे में पूछे कि अगर दुखों का, बंधनों का मूल कारण क्या है, तो दुखों और बंधनों का मूल कारण ये अविद्या को माना गया है। भगवान बुद्ध ने भी, हम द्वादश निदान देखते हैं, द्वादश निदान की शुरुआत अविद्या से हुई है, अज्ञानता से, जड़ में अज्ञानता है, और इसकी अंतिम परिणति दुखों में हो रही है, जरा मरण। जरा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा और मरण का अर्थ है मृत्यु, जो दुखों का सांकेतिक नाम है। तो चाहे बुद्ध के बारे में पूछे, चाहे महावीर स्वामी के बारे में पूछे, इनका सांकेतिक नाम जो जरा मरण, जो दुखों के प्रतीक के रूप में, इनका मूल कारण अविद्या है। ईसाई संदर्भ हमने जो प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत, उससे पूर्व जो चार आर्य सत्य हमने डिस्कस किए थे, चार आर्य सत्यों में पहला ही आर्य सत्य हमने दुख डिस्कस किया था, कि विश्व में प्रत्येक स्थान पर दुख व्याप्त है, और वहीं पर हमने दुखों का सांकेतिक नाम जरा मरण देखा था। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई, उस महिला के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, रो रही थी, और अपने मृत पुत्र की देह को लेकर वो बुद्ध के समीप आई और उनसे विनती करने लगी कि मेरे पुत्र को जीवित कर दिया जाए। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं आपके पुत्र को जीवित करूंगा, पहले आप मुझे किसी घर से एक मुट्ठी तिल लाकर दीजिए। ठीक है, मैं भी आती हूँ। महिला प्रसन्न हुई, एक मुट्ठी तिल की तो बात है, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन साथ ही बुद्ध ने एक कंडीशन रखी, कहा आप एक मुट्ठी तिल लेकर आओगे, लेकिन शर्त यह है कि एक मुट्ठी तिल आप उस घर से लाओगे जहां किसी का देहांत नहीं हुआ वास्ता। महिला गई, बहुत सारे घरों के दरवाजे उसने खटखटाए कि एक मुट्ठी तिल मिलेगा? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे उसने शर्त रखी कि क्या आपके घर किसी का देहांत हुआ है, हर घर से यही रिप्लाई मिला उसको कि कुछ समय पहले किसी के हस्बैंड, किसी के पिता, किसी की माँ चल बसी हो।
लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां किसी का देहांत नहीं हुआ। अंततः थका हार कर वापिस बुद्ध के पास लौटी और तब जाकर बुद्ध ने, जो बुद्ध की बात थी अविद्या से लेकर जरामरण तक, जो हमने चार आर्य सत्यों में भी डिस्कस किया, जो पहला ही आर्य सत्य है दुख, कि अगर हमने जन्म लिया है तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता, और यही उसका सांकेतिक नाम है जरामरण। आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।